जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं एक्स कैडेट सार्जेंट वीरेंद्र कुमार वन दिल्ली आरएनबी से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरबीसी का सिलेबस कहीं नहीं मिलता यूट्यूब पर इतनी आसानी से जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। तो अब से हमारे एकदम फ्रेश क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको आरबीसी का पूरा सिलेबस विद ड्रिल वेपन एसिड जो क्लासेस हैं, जो कोर्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा इसी चैनल पे बीवी अकेडमी पर। सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी का सिलेबस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100+ मार्क्स का ये एक पेपर आता है, इसमें अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है तो ए ग्रेडिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारा स्पेशल सब्जेक्ट होता है। एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट रिलेटेड होता है, बटालियन का बैटल क्राफ्ट होता है, नेवी का उनके शिप के जो भी होता है उनके रिगार्डिंग स्पेशल सब्जेक्ट होता है। वैसे ही हमारा जो आरवीसी होता है वो आरवीसी रिमाउंट वेटनरी कॉर्प का जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है वो आरवीसी होता है, जिसके अंदर हम हॉर्स राइडिंग पढ़ते हैं, हॉर्स मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो आज की जो क्लास है ये हॉर्स पर ही, और ये हर बार पूछा जाता है, ये याद रखना। अगर आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में रिटर्न आएगा, लिखने वाला आएगा, और सेकेंड ईयर में एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू की भी तैयारी मैं करवाऊंगा। तो आज हम देखेंगे कि आरबीसी जो सिलेबस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है वो है नाल बंदी। हम घोड़े में जो नाल लगाते हैं, ठीक है, नाल, उससे रिलेटेड ये क्लास है। आज ये पहली क्लास है, ऐसी आपको रेगुलरली अब क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज देखेंगे हम नालबंदी की, नालबंदी का उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है, हम नालबंदी क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब देखेंगे कि हमें क्यों जरूरी है किसी एक हॉर्स में नालबंदी करने का, चाहे वो म्यूल हो, म्यूल यानी खच्चर, और चाहे वो घोड़ा हो हॉर्स राइडिंग के लिए। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, क्योंकि मैं हिंदी का बेस लेके चलता हूँ, जिसको इंग्लिश आती वो तो ट्रांसलेट कर ही लेगा। ठीक है, ये सोच के मैं हिंदी पे चलता हूँ, आप आगे हैंडल कर लेना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले एक बार सब कहते हैं, आपको क्या पता है कि आरबीसी का स्लोगन क्या है, नारा क्या है, हमारा जो कर्तव्य होता है मोटो बोलते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, आएगा पक्का, बी में और सी में भी आ सकता है, एक नंबर में फिलंदा बिलेंस। ठीक है, या सही गलत में कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, पशु सेवा अस्माकम धर्म। ठीक है, ये हमारा स्लोगन है। ठीक है, आरबीसी का, ये देखो मेरे पास लोगो है, मैं आर्मी अटैचमेंट काटा था जब ये हमें टी शर्ट मिली थी। ठीक है, तो आज का हम देखते हैं टॉपिक नालबंदी के उद्देश्य, क्या देखेंगे आज हम नालबंदी के उद्देश्य की, नालबंदी हमें क्यों जरूरी है, इसका मोटो क्या है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है नालबंदी करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि घोड़ों एवं खच्चरों यानी हॉर्स एंड म्यूल में नालबंदी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। देखते हैं किस प्रकार से, ज्यादा नहीं, मैंने आपके 5 से 6 रखे हैं, वहां पे 5 से 6 ही पूछेगा, 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको ये सारे लिख देना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं, ऐसे लिखवा के आ जाना, 5 में से 5 नंबर मिलेगा, कोई काटने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, पैरों को अधिक टूट फूट से बचाना। अगर घोड़े के पैर में नाल नहीं लगी रहेगी तो वो फ्रैक्चर हो सकता है राइडिंग करते टाइम। ठीक, उसका जो नीचे की बनावट रहती है तालू, जहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे, हम जब वो पढ़वाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा पैर का, तो हम सारी आपको क्वार्टर्स, अंदर की जो दीवार होती है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, पुतली क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो टूट फूट होता है ना, उससे वो बचा लेता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जानवरों को बर्फीले इलाकों में फिसलने से बचाना। जैसे कि आप लोगों को पता है, जहां पर साधन नहीं जा सकते, व्हीकल नहीं जा सकते, आर्मी व्हीकल्स नहीं जा सकते बर्फीले इलाकों में, ठीक है, वहां पर हमारे हॉर्स मेडिसिन्स, फूड यानी कि खाना के सामान, और ऐसी जो मिलिट्री को जो जरूरत की सामान है, जैसे देखो हॉर्स में म्यूल में मतलब कि म्यूल जो होता है हमारा, जो खच्चर जो होता है हमारा, वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन थे, एक होता है एमए, एक होता है हमारा एमए और एक होता है जीएस। एमए जो होता है ये हम यूज करते हैं, इसे हम बोल सकते हैं आर्टिलरी का, ठीक है, ये हमारा तोप खानों में यूज होता है एमए वाला, और जो जीएस वाला है जनरल ड्यूटी में यूज होता है। ठीक है, तो इनको इनको भी सपोर्ट चाहिए, और हमारे जो हॉर्स हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए। तो क्या है, बर्फीले इलाकों में जो ये होते हैं उनसे क्या होता है, वहां पे इनका बचाव होता है। ठीक है, पैरों की बनावट को, कमियों को दूर करने का, अगर पैर कभी कभी कैसा होता है, किसी का पैर पूरा नहीं होता किसी घोड़े का, तो हम उसको नाल लगा के फिट कर सकते हैं।
ठीक है, उसको क्या करते हैं नाल लगा के हम उसको फिटिंग का बना सकते हैं जिनसे घोड़े को चलने में राइडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और पैरों की बनावट की कमियों को दूर करना, ठीक है, पैरों की बीमारियों में सुधारक नाबंदी करना, जैसे टेंडन की बीमारी, टेंडन पैड आपने देखा होगा जो लगाते हैं टेंडन पैड और स्टार्टिंग करते हैं, जब टेंडन पैड देखा होगा ना आपने, पैड जब मैं करवाऊंगा स्विंग वाला वो चैप्टर करवाऊंगा उसमें सारा आपको बताऊंगा, टेंडन पैड लगाते हैं जैसे हम जहाँ पे पट्टी लगाते हैं ना वहाँ टेंडन पैड भी लगते हैं। ठीक है, टेंडन पैड, टेंडन की बीमारी, सूंघ का बुखार, सूंघ के बुखार में क्या होता है कि वहां पे सूंघ बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, उसमें बुखार आ जाता है, वो काफी घोड़े के लिए दर्दनाक होता है, लेमिनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा वो हो गया है कि लेमिनाइटिस बोलते हैं। नेविकुलर, नेविकुलर भी एक हड्डी की बीमारी है जो कि जिससे हमारी नाल बचाती है, ये नाल लगा रहता है तो ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, पैर को हर समय ठीक ठाक एवं तंदुरुस्त हालत में रखना, और पैर को हमें ठीक ठाक तंदुरुस्त हालत में रखते हैं जब हम घोड़े में नाल लगा देते हैं, ये है इनके उद्देश्य। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या है, पैरों की जमीन पर पकड़ को मजबूत करना, पैरों की पकड़ जमीन पर भी क्या कहा, बर्फीले इलाकों में फिसलने से बचाता है, तो वैसे ही जो पैर है और जो नाल है वो क्या करता है, जमीन की पकड़ को अच्छा बनाता है। ठीक है, जिससे कि हमें राइडिंग करने टाइम या हमें फौज में जब जरूरत पड़े किसी चीज के लिए, लाइक मेडिसिन पहुंचाना हो या फूड पहुंचाना हो या फिर आपका जनरल ड्यूटी देनी हो या फिर आपका क्या कहते हैं अटलरी यानी तोपखाने में यूज करना हो, ले जाना हो, तो वो सारी चीजें क्या है, जमीन में उसकी क्या करेगा, जमीन में पकड़, जमीन पर पकड़ को मजबूत करता है, ये क्या करता है, ये नाल करता है, ये है उद्देश्य। आपने अगर ये छह पढ़ लिए तो पांच नंबर का आएगा, छह पॉइंट लिखे हुए, कोई नहीं काट सकता, एक नंबर नहीं काट सकता। अब देख लेते हैं, नाल दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, गर्म नाल होती है, एक ठंडी नाल होती है, गर्म नाल और ठंडी नाल, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, गर्म नाल और ठंडी नाल, और देखेंगे देखना कि ये जो उद्देश्य है ये 101% आपको मिलेगा। मैं अभी साइड हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपनी कॉपी में उतार के थोड़ी सी कॉपी बना के, क्योंकि अब आपकी क्लासेस स्टार्ट भी होने वाली है, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आने वाले हैं, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फिर आपका ए ग्रेड तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो जय हिंद। अगर आपको और भी क्लासेस लेनी है मेरे से, हमारे चैनल पे आपको सारी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सारा एनसीसी का जितना भी आरबीसी का सिलेबस रहेगा सारा अपलोड होता रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।